डियर स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो। जो इससे पहले वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने बात की थी जो ग्लांस लाइन वेक्टर फॉर्म और पोजीशन वेक्टर फॉर्म की हम बात कर रहे थे। आज का जो हमारा लेक्चर, इसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं एक तो SI जो यूनिट के अलावा जो चार्ज हमारा उसकी कौन कौन सी यूनिट होगी उसके बारे में, और उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो हम जो CGS यूनिट है या फिर जो हमने एप्साइलन पढ़ा था, एप्साइलन नोट जो हमने पढ़ा था उनका जो रेशियो है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले। तो अभी आपने देखा था कि हमने वैल्यू निकाली फोर्स की, क्या वैल्यू थी भाई? F=1/4π एप्साइलन नोट Q1 Q2 अपॉन आज के, ये वैल्यू हमने पढ़ी। अब यदि मैं बात करूं यहां पे कि जो चार्ज है हमारे पास उसकी वैल्यू 1 कब होगी, जो चार्ज है हमारे पास उसकी जो वैल्यू है वो 1 कब होगी, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं भाई? हमने बताया था कि F=K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर, ठीक है। हमें डिफाइन करना है किसको, यहां से 1 कूलाम को डिफाइन करना है। अब यदि K की वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁻⁶। यदि मैं न्यूमेरिकल केवल वैल्यू की बात करूं तो K की वैल्यू इतनी है हमारे पास। अब यदि K की वैल्यू हो और डिस्टेंस है ये जो R है इसकी वैल्यू कितनी हो, 1 मीटर। अब K की वैल्यू यदि यहां पे देखो, हम 1 कूलाम की बात कर रहे हैं, इसको हम 1 कूलाम के इक्वल लेके चले, ये वैल्यू 1 रख दी हमने, तो F की वैल्यू कितनी होगी? F की वैल्यू भी यही होगी 9×10⁻⁹ न्यूटन। जो K की वैल्यू, R की वैल्यू मैंने 1 बता दी, K की वैल्यू है जो ये होती, इसकी जगह पे मैं कितना लिख के चल रहा हूं, ये हमने F की वैल्यू मान ली भाई। यदि सारी वैल्यू इधर से हट जाए, उधर हम भेज दें, नहीं हो जाएगी वैल्यू हमारे पास भाई। जो F की वैल्यू, जो Q1 Q2, आप इसको या दूसरी तरीके से ऐसे लिख सकते हो, यदि ऐसे समझ में ना आए कि इफ Q1=Q2 और ये कितना हो गया हमारे पास 1 कूलाम, और R=1 मीटर, F=K और कितना हो जाए वो 10⁻⁹ न्यूटन। आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। अब यदि हम इसको डिफाइन करें तो डिफाइन किस तरीके से करेंगे, बात वो, तो यदि ये वैल्यू 9×10⁻⁹ है ही हमारे पास, ये दोनों वैल्यू 1 रख दी, तो F और K क्या हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे हमारे पास। F=K हो जाएगा कब, जब ये वैल्यू तो कितनी हो 1 कूलाम और ये वैल्यू कितनी हो 1 हमारे पास, ठीक है। तो यदि यहां से हमें डिफाइन करना हो किसको, 1 कूलाम को, तो किसके इक्वल होगा भाई वे, कि जब हमारे पास जो सेम चार्ज, हमने इसको जब शुरू किया तब हमने बताया था कि चार्ज कैसे लेके चल रहे भाई, हम सेम लेके चल रहे। इफ फोर्स, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से लिखें, इफ वन, या 1 कूलाम मे बी डिफाइंड एज द चार्ज विच रिपेल्स इक्वल
एंड सिमिलर चार्ज प्लेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर विद ए फोर्स ऑफ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन। तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई जब हमारे पास चार्ज फोर्स की वैल्यू ये हो, डिस्टेंस ये हो, तो जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, 1 कूलम हम चार्ज की वैल्यू लिख सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, अब ये तो हो गई हमने भाई सी जो उसकी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट की हम बात कर रहे थे, क्या होती है वो कूलम। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, सीजीएस यूनिट की हम बात करें, तो सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलम इसकी सीजीएस यूनिट है, सीजीएस क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट जिसको हम ESU और स्टैट कूलम इसकी सीजीएस यूनिट होती। अब यदि हम रिलेशन फाइंड आउट करें कि 1 कूलम कितने ESU या स्टैट कूलम के इक्वल होगा, तो 1 कूलम जो है हमारे पास वो 3 × 10⁻⁹ ESU या स्टैट कूलम के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास। अब इसके अलावा कई बार भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट जो कूलम से भी एक तरीके से हम बात करें तो कूलम से भी बड़ी यूनिट इसको हम कंसीडर करते हैं, अनदर यूनिट क्या लेके चलते भाई हम, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट EMU, और 1 EMU जो है वो 10 कूलम के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये हम इसके अलावा यदि इसकी यूनिट की बात करें तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। और ये सीजीएस यूनिट भी आपको पता होनी चाहिए, उसके अलावा इनका जो ये रिलेशन है ये भी हमें पता होना चाहिए कि जो 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है या फिर 1 EMU है वो कितने कूलम के इक्वल होती है, ये आपको पता होना चाहिए इसके साथ साथ। ठीक है, तो ये तो था, हमने बात कर ली भैया आज के लेक्चर में किसकी, जो इसकी यूनिट है चार्ज की, जो पहले हमारा रहता था टॉपिक, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसकी जो बची हुई यूनिट है सीजीएस यूनिट है उनके बारे में हम बात करेंगे। ये जो रिलेशन अभी लिखवाए हैं इसको मैंने पहले भी बताया था, आज फिर बता देता हूँ कि आप इसको जरूर याद रखें कि छोटे क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यदि हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और रिलेटिव परमिटिविटी,
रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हम बात करें, उसको हम डिनोट करते हैं किससे भाई, के। ये होता क्या है, आप लोगों ने एफ की वैल्यू निकाली होगी, निकाली हमने सब में, और दो लगभग यदि हम बात करें, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये एफ की वैल्यू कूलम्ब्स लॉ से हमने फाइंड आउट की, ठीक है। लेकिन यदि अब मैं बात करूं किसकी, यहां पे कि यदि ये जो चीज है, ये सिंपली हम जब बात करते हैं ना, तो एयर के केस में लेके चलते हैं कि जो हमारे चार्ज है वो किस में रखे हुए हैं, एयर और वैक्यूम में, ठीक है। आप लिख सकते हो वी नो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर और वैक्यूम इज गिवन बाय ये, यहां पे एफ नोट लिखा है, यहां पे एप्सिलॉन नोट है। अब मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एनी मीडियम इज गिवन बाय एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये दो मैंने आपको बताया है कि दो फोर्स की वैल्यू हमारे पास, और दो फोर्स की वैल्यू किस में है भाई, एक तो किसी मीडियम में बात कर रहे हैं, और दूसरा हमने किस में बात की इनकी, या तो हम एयर और वैक्यूम में लेके चल रहे, दूसरा कोई भी एक मीडियम गिवन है। अब हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, या जो हमने लिखा है इसकी यदि हम बात करें, और के इसकी यदि हम वैल्यू लिखे तो किसके इक्वल होगी भैया, ये होती है हमारे पास एफ नोट अपॉन एफ एम, किसके इक्वल होगी भैया, एफ नोट अपॉन एफ एम के इक्वल होगी, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैल्यू आई हमारे पास। अब हम यहां से देखें कि ये वैल्यू दोनों में बराबर है, कैंसिल हो जाएगी, 4 पाई दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा। वैल्यू बची क्या भाई हमारे पास, ये शायद नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने, तो हम इस साइड लिख सकते हैं। कि K इज इक्वल टू एफ नोट अपॉन एफ एम इज इक्वल टू, अब ये 1/4 में है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, नीचे आ जाएगी, मतलब ये किसके इक्वल होती है, इन दोनों के इक्वल होती है, ठीक है। अब यहां से हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्या होगी, दो डेफिनेशन बनती, एक तो यदि हम लिखे किसकी फॉर्म में भाई, फोर्स की फॉर्म में, तो रेशियो होगा हमारे पास किसका होगा, यदि हम यहां से डेफिनेशन निकालें
तो यहां से डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या जो फोर्स है, सो डाइलेक्ट्रिक या रिलेटिव परमिटिव और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में भी डिफाइंड एज कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारे पास चार्ज में, किसमें, एयर और वैक्यूम में, उसका रेशियो है। ये क्या है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर और वैक्यूम, ये किसमें है, मीडियम में, इससे डिफाइन कर सकते हैं। और यदि हम यहाँ से डिफाइन करें इसको, तो यहाँ से जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या होगा भाई कि रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में भी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द मीडियम। ऊपर वाली तो किसके लिए है, मीडियम के लिए है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम नीचे वाले के लिए। मतलब यदि हम यहाँ से इसकी इसको इसकी डेफिनेशन लिखें, ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं भाई दोनों। अब इसकी डेफिनेशन और एक बार यदि दोनों की हेल्प से हम लिखें तो क्या होगी वो, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी में भी may be defined as the ratio of electrostatic force in air or vacuum to the इसको भाई आप लिख सकते हो यहां पे F नोट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज इन एनी मीडियम। एक तो ये डेफिनेशन हम लिख सकते हैं भाई यहां पे FM मतलब मीडियम के लिए हम बात कर, तो एक तो ये डेफिनेशन होगी किसके लिए है ये हमारे पास, हम यदि मीडियम की बात कर रहे हैं मतलब फोर्स की टर्म में हम यदि बात करें। अब यदि दूसरी लिखे तो हम यहां से चेंज कर सकते हैं इसको, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। इन दोनों में फर्क क्या है भाई, पहले वाले में जब हम बात कर रहे थे उसमें एयर वाला जो फोर्स है वो एयर वाला ऊपर आता है और उसका जो रेशियो है वो मीडियम के साथ होता है, लेकिन एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या है, मीडियम की ऊपर आएगी और एयर और वैक्यूम की नीचे आएगी, दोनों अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स है उसके केस में जब हम लेके चल रहे थे तो वन अपॉन में आती है वैल्यू, फोर पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट है, तो दोनों ही क्या है अपॉन में वैल्यू आती है, तो चेंज हो जाएंगे ऊपर जाके। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर भाई, वी होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट होते हैं तो आप इसको कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।